हेलो, सत श्री अकाल जी। बाबा पंजाबी रसोई दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। फ्रेंड्स, अज असीं बनाउण जा रहे हां जी गुड़ वाले चौल। ते गुड़ वाले चौल जिहड़े आ खाण च बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो बहुत ही सौखे तरीके नाल असीं इहनां नूं बनावांगे। सब तो पहले देखो, मैं एक गिलास चौलों का लै लिया। इहनूं मैं अद्धा घंटा पहला पानी च डुबो के रख दिता सी। गुड़ लै लिया मैं, गुड़ तुसीं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग लैणा है। बादाम लै लेने ते सौंफ लै ली आ। चलो जी, फिर हम असं शुरू करते हैं बनाना। सब तो पहला देखो, दो गिलास मैं पानी दे लए ने, उहदे विच मैं पा दांगी गुड़। तो हुण असीं गुड़ नूं मेल्ट होण दवांगे। लो जी, कढ़ाई लै ली है। तो कढ़ाई दे विच हुण असीं पावांगे 2 चम्मच घिओ दे। देसी घिओ लै रही हां मैं, तुसीं अपने चॉइस के मुताबिक लै लेना। डालडा भी लै सकते हो, रिफाइंड भी लै सकते हो। तो घिओ देखो साडा पिघल गया, गर्म हो गया। हुण असीं इहदे विच पावांगे सौंफ। सौंफ मैं 1 चम्मच लिया है। तो बादाम पा देंगे। तुसीं अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट जिहड़ा है तुसीं लै सकते हो। 1 मिनट वास्ते बस असीं इहनूं भुनणा है। लो जी, देखो 1 मिनट हो गया। तो असीं इहनूं थोड़ा जिहा भुन लिया। हुण असीं की करांगे कि जिहड़े असीं चौल पानी च डुबो के रखे सी ना, उहनूं असीं पा देंगे। 1 गिलास मैं चौलों का लिया, तो इहदे विच तुसीं 2 गिलास पानी दे लैने ने। तो हुण चंगी तरह चौलों नूं 1-2 मिनट असीं इहनूं भुनणा है चौलों नूं चंगी तरह। लो जी, चंगी तरह मिक्स करांगे। लो जी फ्रेंड्स, देखो 2 मिनट हो गए ने, तो मैं चौलों भी भुन लिया। हूँ जिहड़ा असी गुड़ वाला पानी से ना, उन्हूं असी छान लिया। तो छान के तो हूँ असी पानी नूं चौलों के विच मिला देंगे। चंगी तरह असी इहनूं मिक्स करांगे। तो असी इहनूं ढक के पकाउणा है चौलों नूं। थोड़ा जिहा मैं इहदे विच नमक पा रही हाँ, पिंच क नमक पा रही हाँ, क्योंकि नमक पाउण दे नाल ना टेस्ट बहुत ज़्यादा वधिया होंदा है चौलों के विच। थोड़ा करारापन जी आ जाता, बहुत वधिया लगते ने। तो चंगी तरह मिक्स करके हुण असीं इहनूं ढक के पकावांगे। लो जी फ्रेंड्स, देखो चौल साडे रिज रहे ने। तो मैनूं याद भुल गया सी, मैं नारियल भी कट्टिया होया सी, मैं तुहानूं दस्सिया ही नहीं, तो मैं भुल गई सी। हुण मैं पा रही हाँ सुक्का नारियल, जिन्हों असीं खोपा भी कह दिंदे आ, ठूठी भी कह दिंदे आ। लो जी, देखो ढक के पकाया असीं इहनूं, ते चौल जिहड़े आ फुलने शुरू हो गए ने। आ देखो, ते थोड़ा जिहा टाइम होर लगेगा, फिर जिहड़े साडे चौल आ बण के बिल्कुल तैयार हो जाने ने। हले पानी हैगा चौलों के विच, ढक के असीं इहनूं फिर 2-3 मिनट पका लाँगे। लो फ्लेम पर पकाने हैं चौल असीं। लो जी, 3-4 मिनट हो गए ने, ते चौल जिहड़े आ साडे देखो बण गए ने। पानी सारा सुक गया। देखो जी, बिल्कुल साडे जिहड़े चौल है वह बन के बिल्कुल तैयार ने। बहुत ही वधिया गुड़ वाले चौल जिहड़े आ बन के तैयार होए ने। तो तुसीं भी अपने घर च जरूर ट्राई करियो। अगर तुहानूं मेरी रैसिपी वधिया लगती है, प्लीज़ लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ, तो कमेंट भी जरूर करियो जी। अगर तुसीं मेरे चैनल पर नवे हो तो मेरे चैनल में सबसक्राइब भी कर लियो। चौल साडे बन के तैयार ने, गर्मा गर्म चौल खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वीडियो देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।